हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और नवरात्रि के तीसरे यानी कि माँ चंद्रघंटा के व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। माँ चंद्रघंटा को नीला रंग पसंद है, तो हमारे पास नीला तो था ही नहीं कोई भी, पर कोई नहीं, हमने ग्रीन पहना है। और सुबह सुबह हम बना रहे हैं, सुबह का टाइम नहीं है, अभी शाम का टाइम है। शाम का टाइम जब एडिटिंग कर रही हूँ तब सुबह है, और जब ये वीडियो बनी हुई थी, शूट किया था, तब शाम का टाइम था। तो मैं जो थी ये आलू छील रही थी कुछ, मुझे ना आज पहली बार मैं वो बनाने जा रही हूँ, समक के चावल की खिचड़ी। तो मैंने जैसे जैसे यूट्यूब से देखा था ना, उसी वही फॉलो किया है सेम। और कुछ आलू मैं काट रही हूँ, उसके लिए पकौड़ियाँ भी तलूंगी ना, क्योंकि इनको पकौड़ी ज़्यादा पसंद है और मुझे कम। खीर बनेगी, खीर साबूदाने की खीर बन रही है उधर। अभी तो पहले बस पानी रखा है मैंने। चाय ले लो, मम्मी ने मांगी चाय, तो इनके लिए बनाई मैंने चाय थोड़ी सी। और ये साबूदाना है हमारा, एक घंटे के लिए भिगो कर रखा था मैंने, काफ़ी अच्छे से फूल गया है। अब फूलने के बाद जो पानी था मैं उसको निकाल दे रही हूँ। इसी में करके छोटे एक एक लीटर के बर्तन है मेरे पास, ज़्यादा बड़े बर्तन ही नहीं है, छोटे छोटे से बर्तन है सब। और इसमें ही मैं थोड़ा पानी करके और इसको रख दूँगी। अभी बनेगा ना, सब ऊपर आ जाएगा उबल उबल के, तो समझ लो ना कि पक गया अच्छे से। और ये थोड़ा मैंने रखा है इसलिए कि मैं इसे ना पकौड़ी और या फिर समक के चावल में डाल दूँगी, जिसमें लगेगा मुझे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है साबूदाना। यह है समक के चावल, मैंने पहली बार आज देखे भी पहली बार हैं, और बनाऊंगी भी पहली बार ही, और खाऊंगी भी पहली बार। तो ये खिचड़ी के लिए मैं बारीक बारीक चावल आलू काट रही हूँ एक छोटा सा, और बाकी जो आलू है वो मुझे पकौड़ियाँ बनानी है काट कर, आलू की कोटू काटेगी। कट गया। और एक एक दो हरी मिर्च, हरी मिर्च भी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही तीखी है, इतनी तीखी है कि फ्रिज में रखी रखे 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 भी ये लाल पड़ गई हैं, पक गई पूरी तरह से। हरी मिर्च भी कट गई है हमारी। और ये देखो साबूदाना सब बिल्कुल हल्का हो गया है, पक के ऊपर आ गया है, इसका मतलब बहुत अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम थोड़ा दूध ऐड करेंगे और थोड़ा चीनी ऐड कर देंगे। चीनी तो अपने हिसाब से, कोई शुगर फ्री वाला हो तो मत डालना ज़्यादा चीनी, कम ही खाओ तो ज़्यादा अच्छा है वैसे भी। अब मैं इसको कम आँच करके ना ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दूंगी कुछ देर। चीनी भी डल गई, दूध भी डल गया, साबूदाना भी डल गया है, और थोड़ा इसमें वो रह गए हैं मेवे, बादाम बादाम डालने के लिए। मैंने सोचा अभी थोड़ा ऐसे ही पकने देती हूँ, फिर तब तक मैं इसको टमाटर वमाटर काट के रख देती हूँ, क्योंकि अभी इसको तो बनने में टाइम लगेगा खीर को, तो ये सब काट के रख देती हूँ, फिर मैं बादाम काटूँगी। अभी ये मखाने डाल दिए अब मैंने, क्योंकि आज चंद्रघंटा माता को ना सब वैसे मखाने की खीर का भोग लगाया जाता है। और मैंने डाल दिए इसमें बादाम भी,
सॉरी अभी नहीं डाले हैं अभी, क्योंकि अभी मैं काट नहीं पाई थी। ये देखो अभी मखाने से ना, मखाने डालने से ना खीर का कलर चेंज हो जाता है दूध का। अब मैं थोड़े बादाम काट लेती हूँ पहले। अब मैंने गैस ऑफ कर दिया था इसलिए, क्योंकि मेरे बादाम कटे हुए नहीं थे। अब मैंने देखो डाल दिए बादाम भी काट कर। साबुदाना भी अच्छे से पक गया है वैसे तो। अब मैं चमक के चावल धो लेती हूँ थोड़ा। ये 200 ग्राम चावल है, 150 रुपये किलो के हिसाब से। बताओ आप कितने रुपया का होगा? 30 रुपये का है, 30 रुपये का। मुझे लगा था इतने से चावल हैं क्या पूरे होंगे, और ये तो इतने फूले कि हमें सब तीनों लोगों ने हमने खा लिए। इतने से चावल से पूरी कढ़ाई भर जाएगी मेरी। अब मैं छोकती हूँ ये चावल पहले। खीर उबल रही है, उधर कर दिया गैस फ्लेम ऑफ। थोड़ा छोड़ दिया तेल। ये थोड़ा जीरा। अब इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्च। अब इसमें आलू और टमाटर दोनों मैंने एक ही साथ में डाल दिया है। सेंधा नमक डाल के ना थोड़ा टमाटर पक जाएंगे अच्छे से। अच्छे से हो गए हैं टमाटर भी। अब इसके बाद मैं डालने जा रही हूँ इनमें पानी। 2 गिलास पानी में 200 ग्राम चावल बहुत अच्छे से बन जाएंगे ये वाले। थोड़ा अब हम इसको छोड़ देते हैं खोलने के लिए। जब ये पानी में अच्छे से उबाल आ जाएगा ना, तब मैं इसमें चावल डालूँगी। और खीर भी हमारी रेडी हो गई है। गैस फ्लेम भी ऑफ कर दिया है। और ये हमने आलू काटे थे पकौड़ी के लिए, इसमें हम आटा कर लेते हैं थोड़ा। देखो कितना अच्छे से खोल आ गया है इसमें। अब मैं डाल देती हूँ इसमें चावल। चावल डाल दिए हैं। चावल डालने के बाद अब मैं इसको एक बार थोड़ा नमक चेक कर लेती हूँ कैसी है।
क्योंकि भोग तो इसका लगेगा नहीं आज, भोग तो लगेगा खीर का। नमक कम थी मैंने वो डाल दिया। अभी आलू देखती हूँ चेक करके पहले, गला कि नहीं गला, गल गया आलू। अब मैं इसमें चावल सारे छोड़ देती हूँ अच्छे, इतना बारीक चावल होता है कि उंगली से इतने सारे चिपक जाते हैं। तो लेकिन ये इतना फूलेंगे मेरी कढ़ाई भर जाएगी पूरी। ये देखो कितने अच्छे से बने ना, बहुत अच्छे से बने रहता है और टेस्टी भी बहुत लग रहे थे। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन प्रेस करो, वीडियो फुल वॉच करो, सपोर्ट करो। और जैसे मैंने खिचड़ी बनाई है वैसे आप भी ट्राई करो, बहुत अच्छी से एकदम खिली खिली पुलाव बना है। ये देखो मैं दिखाती हूँ अभी सर्व करने के बाद, हमारी देखो कितना अच्छा पुलाव बना है ना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और हो सके तो शेयर भी कर देना। राम राम, टाटा, जय हिंद, जय भारत।